खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहतक जिले के गांव सुडाणा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने ही अध्यापक पर डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में अध्यापक को काफ़ी चोटें आई हैं। पीड़ित अध्यापक ने इसकी शिकायत कलानौर पुलिस चौकी को दी है। पीड़ित अध्यापक ने बताया कि मंगलवार को स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल की एक लड़की को गेंद मार दी थी, जिसके चलते उसने छात्र को डांट लगाई थी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बुधवार को सुबह जब शिक्षक ओमबीर स्कूल में था, तो उसी समय छात्र अपने 15-20 साथियों व परिजनों के साथ स्कूल में पहुंचा और अचानक अध्यापक को डंडों व मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। इसी बीच स्कूल के अन्य अध्यापकों ने बीच बचाव करते हुए ओमबीर को उनसे छुड़वाया। फिलहाल पीड़ित शिक्षक ओमबीर ने इसकी शिकायत कहानौर पुलिस चौकी में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित अध्यापक ने बताया कि छात्र ने गेंद एक छात्रा को मारी थी। लड़की की शिकायत के बाद उक्त छात्र को डांट लगाई गई थी, जिसकी वजह से आज उसके साथ मारपीट हो गई। पुलिस ने पीड़ित अध्यापक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। और उसके बाद वो वहाँ पे क्लास प्रिंसिपल रूम के अंदर आके भी बदतमीजी से बोलने लग गई और छुट्टी होगी थी उसके बाद। फिर आज सुबह प्रेयर के बाद स्कूल के अंदर आके बिना बात करे, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, सीधा आकर उन्होंने हमला कर दिया। स्टाफ ने मेरी जान बचाई, मैं भाग के कमरे में घुसा जब मैं बचा। कितने व्यक्ति थे? 50 लोग होंगे कम से कम, जिसमें महिलाएँ भी, बच्चे भी थे, बड़े। सर क्या मामला? मामला जी आज सुबह मैं चौकी में आता था, मेरे पास सूचना मिली कि गांव सुडाणा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा मास्टरों के साथ मारपीट की जा रही है। मैं मौके पर पहुंचे, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे उस टाइम छुड़वाने के लिए। जो बच्चे झगड़ा कर रहे थे वो भाग चुके थे। और उसके बाद मैंने पूछताछ की तो टीचर है अपने ओमवीर सिंह DPE, तो उन्होंने बताया कि कल दिनांक 20 को ये बच्चे, 2-3 बच्चे थे, वो गेंद खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर, उनकी गेंद क्लासरूम में चली गई थी, एक लड़की की लगी थी, उसने वो बच्चों को धमका दिया था, जिस वजह से आज वो सुबह मास्टर के साथ मार पिटाई करने के लिए स्कूल गए। टीचर ही कैसे अलग से? टीचर सी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। इस मामले में जो आरोपी थे क्या उनको पकड़ लिया गया? उनको लग रहे हैं, जाँच जारी है। लगभग कितने लोग थे सर मारपीट करने वाले टीचर से? 5 भाई ने दे रखे, 5-7 ने बता रहे, जल्दी गिरफ्तार।